एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 13, क्या गिवन है इसमें? हमें एक मैट्रिक्स गिवन है एफ एक्स की फॉर्म में, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इधर है, माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, क्लियर? ये हमें एफ एक्स दिया हुआ है। अब हमें क्या शो करना है इसमें? एफ एक्स इंटू एफ वाई, क्लियर, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे या शो करना है, ठीक है? तो एफ एक्स का मतलब ये था, तो एफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा? हम एक्स की जगह वाई वाई पुट कर देंगे, क्लियर? तो अगर हम एफ एक्स लिखे तो ये तो यही हो गया, दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, क्लियर? ऐसी एफ वाई लिखे तो क्या बनेगा? कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई 0, देन साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है? जो नंबर थे आपके वो तो चेंज नहीं होंगे, जहां पे एक्स था वहां पे वाई हो गया उसके अकॉर्डिंग, क्लियर यहां तक? अब इसको हमें सॉल्व करके एफ एक्स प्लस वाई की फॉर्म में दिखाना है, मतलब क्या कि एक्स की जगह आपका यहाँ पे एक्स प्लस वाई फॉर्म होता हुआ दिखे। तो ये एफ एक्स और एफ वाई आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, और दोनों ही क्या है? मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, क्लियर, रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। सो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई बन गया, माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद 0 इंटू 0 0, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ये पूरा हो गया। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? कॉस एक्स को साइन वाई, माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, देन माइनस साइन एक्स प्लस साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये बन गया 0 इंटू 0 0, क्लियर ना? फर्स्ट कॉल फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराया। अब थर्ड एलिमेंट कैसे बनेगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कॉस एक्स इंटू 0 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1, तो थर्ड एलिमेंट आपका 0 आ गया, क्लियर। इसी तरह सेकंड रो बनानी है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? सेकंड रो को 1 बाय 1 तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बनेगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये आ गया आपका। अब और 0 इंटू 0 0, क्लियर नाउ? सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, आगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो प्लस का बन जाएगा ये आपका, क्योंकि दोनों प्लस के थे, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0 0, ठीक है? चाहे इनके आगे लिख भी दो सब में, तीसरा वाला जो हमारा बन रहा था वो 0 बन रहा था, क्लियर। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो पहले दो वहां पे 0 है, तो साइन एक्स इंटू 0 0 हो गया, कॉस एक्स इंटू 0 0 हो गया, देन 0 इंटू 1 वो भी 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया, क्लियर। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0, तो ये पूरा 0 आ गया। अगेन सेकेंड रो के साथ भी, सॉरी सेकेंड कॉलम के साथ भी यही रहेगा, थर्ड रो का 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 0 0, तो ये पूरा भी 0 हो गया। लास्ट वाला लास्ट रो लास्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 अगेन 0, 1 इंटू 1 1, ये आ गया आपका पूरा। यहां तक क्लियर है बेटा मल्टीप्लीकेशन? नाउ अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है आपकी? कॉस एक्स प्लस वाई की फॉर्म, तो ये क्या बन गया? कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है? दूसरा वाला अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो ये कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई है,
तो कौन सी आइडेंटिटी है, साइन एक्स प्लस वाई की माइनस कॉमन लेने के बाद, तो ये क्या बन गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और तीसरे वाला एलिमेंट जीरो था आपका। सिमिलरली ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये भी साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी बन रही है, तो यहां पे क्या आ गया साइन एक्स प्लस वाई। फोर्थ आपका माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, तो ये यही वाली आइडेंटिटी हो गई आपकी कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट फिर से जीरो था इस रो का, और लास्ट में जीरो जीरो वन है। तो अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये आपकी एफ एक्स से मैच कर रही है, और एक्स की जगह आपको क्या दिख रहा है वहां पे एक्स प्लस वाई चारों जगह, क्लियर। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई, यानी फाइनली आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके इक्वल आ गया एफ एक्स प्लस वाई के, देयरफॉर क्लियर ये हो गया, सो हेंस प्रूव। आ गया समझ में, कर लो नोट।